हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नया टॉपिक, दैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही बनता है जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर में हमने बात कर ली अबाउट डिफरेंट मिरर्स, लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, उनकी पावर के बारे में, प्रिज्म के बारे में। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स या ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या होती हैं? उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम मिरर्स की या लेंसेज की उनके हम प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, उनको हम यूज़ कर सकें। कैसे यूज़ होती हैं कि अगर कोई छोटी चीज़ है उसको हम क्या कर सकें, उसको हम बड़ा करके हम देख सकें। ठीक है, कोई दूर से कोई चीज़ है उसको हम ध्यान से देख सकें, बड़ा करके देख सकें। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता ही होगा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लेंसेज होते हैं, पेरिस्कोप होते हैं, क्लाइडोस्कोप होता है, बाइनोकुलर्स होते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये मैनमेड हैं। एक नेचुरल भी है, कौन सा, दैट इज़ अवर आइस। ठीक है, तो हमारी आँखें भी क्या है, एक तरीके की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही काम करती हैं। क्योंकि देखो, हमने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई चीज़ बहुत दूर होती है हम उसको अच्छे से नहीं देख पाते। जैसे जैसे हम उस चीज़ के पास आते हैं या फिर वो चीज़ हमारे पास आती है तो उसका साइज़ बड़ा होता रहता है एंड वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, राइट। तो क्या है, एक तरीके से हमारी आइज़ भी कैसा काम कर रही है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई चीज़ बहुत दूर है तो हमारी आईज उसको छोटा देखती हैं, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पास आता है हमारी आईज उसको बड़ा देखती हैं। दैट मीन्स आईज आल्सो एक्टिंग एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, तो देखो मान लो ये हमारी आई है। ठीक है, ये आई के आगे क्या है, लेंस है। ठीक है, और इस तरीके से हम ये इमेजिनरी एक एक्सिस बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इसमें से बेसिकली मिनिमम दो रेज निकलती हैं। वैसे तो बहुत सारी रेज होती हैं, वी नो दैट, बट हम इतना डायग्राम हमारा होश-पोश ना हो तो हम क्या करते हैं, मिनिमम दो रेज को मीट कराते हैं ताकि इमेज बन सके। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, तो क्या हो रहा है, इस तरीके से एक रे ऐसे आई। ठीक है, एक रे ऐसे आई। ठीक है, तो ये कितना छोटा सा एंगल बन रहा है। ठीक है, बहुत छोटा एंगल बन रहा है। अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ ले आती हूँ, यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये है और ये है। अब ये एंगल इस एंगल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये इसके अंदर एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा है, तो दोबारा ट्राई करते हैं। जैसे कि ये आई है, इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है ये थोड़ा सा ऐसे दूर से एंगल बना रहा है, ये बना एंगल। ठीक है, और ये बना, ये कितना छोटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर यही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रख दूँ तो अब क्या होगा, अब ये इस तरीके का बनाएगा एंगल। अब आप देख पा रहे हो ये एंगल बड़ा है। ठीक है, तो मतलब कि जितना बड़ा ये एंगल बनता जा रहा है, जितनी जितनी ये पास आ रहा है उतना बड़ा ये एंगल बनता जा रहा है और उतना बड़ा ही हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। या आप इसका दूसरा भी एक साइड है वो भी आप ध्यान से देख सकते हो कि मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ एक छोटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस छोटे ऑब्जेक्ट का ये रेज बन रही है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा एंगल बना रहा है। इसी लोकेशन पर, सेम लोकेशन पर एक बड़ा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो रेज बन रही हैं ये बन रही हैं, अब इसका एंगल बड़ा है, तो यानी कि जिसका एंगल जितना बड़ा बन रहा होगा हमारी आईज में वो ऑब्जेक्ट हमें उतना ही बड़ा दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो ऑब्जेक्ट का एंगल हो गया। ठीक है, कि एक तरीके से जो हम देख पा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या होता है एक्चुअल में, एक्चुअल में हमारी जो आईज होती हैं उसमें भी कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग, दैट इज कॉन्वेक्स होता है। तो ये क्या बना रही होती हैं, एक इमेज बना रही होती हैं। वो इमेज कहाँ बन रही होती है, हमारी रेटिना पे बन रही होती है। ठीक है, तो मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, मान लो ये हमारी आई है, ये लेंस है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी जो रेज आई, पैरेलल रेज जो आई, ठीक है, इसकी जो पैरेलल रेज आई, अब क्या हो रही है,
इतनी पैलेट तो नहीं आ रही होंगी, क्यों? क्योंकि ये क्या है, पास में पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ी सी इस तरीके से आ रही होंगी, ऐसे ऐसे आ रही होंगी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे जाके पीछे जाके क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, ठीक है। अब कन्वर्ज होंगी और इमेज कहाँ बनती है, एट रेटिना बनती है, ये हम सबको पता है, हमने 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बहुत दूर लेकर जाती हूँ, ठीक है, बहुत दूर लेकर जाती हूँ, इन्फिनिटी पर है, तो अब क्या होता है, यहाँ से पैलर रेज आ रही होती है, ठीक है, पैलर रेज आएंगी, पैलर रेज आने के बाद यहाँ से कन्वर्ज होके एक्चुअल में कहाँ मीट कर जाएंगी, रेटिना पर मीट कर जाएंगी, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम किस विजन को क्लियरली देख पाएंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर पे है, याद करिए हमें 10th में पढ़ा था 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई का, है ना। नियर पॉइंट का मतलब कि यहाँ तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। इससे दूर भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं विदाउट एनी टेंशन इन अवर आईज, ठीक है, हमारी आईज पे थकावट नहीं होती है, इजली देख पाते हैं। बट हाँ, जितनी दूर जाता रहेगा वो ऑब्जेक्ट हमारा छोटा होता रहेगा, बट एट 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हमें एक्चुअल में क्लियर भी दिखेगा और उसका साइज भी सही हमें दिखेगा, ठीक है। और इन्फिनिटी से भी हमें पता चल गया कि बिना टेंशन के हमारी आईज में हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख जाएगा। बट वट अबाउट अगर मैं ऑब्जेक्ट को साथ में लेकर आती हूँ, 25 से भी पास में लेकर आती हूँ, ठीक है, यहाँ पर लेकर आती हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से जब जाएंगी और ये रेटिना पे इस तरीके से मीट करेंगी, ये जो लेंस होता है वो क्या करने की कोशिश करेगा, अपनी जो पावर है, अपनी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना, एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। उसी को एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते थे, एकोमोडेशन ऑफ पावर बोलते थे, है ना। और ये कौन करती हैं, ये सिलियरी मसल्स करती हैं, याद आई, है ना, सिलियरी मसल्स होती हैं, वो एडजस्टमेंट करती हैं, वो उन्होंने एडजस्ट किया और फिर हमें क्या होता है, लेकिन आईज में क्या हो जाती है, थोड़ी थकावट हो जाती है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो बट वो क्या कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही आईज के पास लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट, वो तो हमें ब्लरी दिखाई देता है, फिर तो वो भी हार मान जाते हैं सिलियरी मसल्स की, भाई हम और इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, अब तो हम आपको ब्लरी दिखाएंगे, अब तो इमेज बन ही नहीं पा रही है रेटिना पे, हमने जितना लेंस को हमने फोकस करना था वो हम कर चुके हैं, अब और नहीं होगा, तो सिलियरी मसल्स वहाँ पे हार जाती हैं और फिर वो इमेज हमें ब्लर दिखाई देती है। तो कहने की बात है कि एट 25 सेंटीमीटर हमें परफेक्ट इमेज दिखाई देती है विदाउट एनी टेंशन इन आवर आईज, दूर से भी क्या होता है, हम कंफर्टेबली देख पाते हैं, बट साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन जैसे 25 से हम पास में आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज हाउ आवर आईज वर्क, क्लियर है ये बात। अब क्या है, ये तो हमारी नॉर्मल आईज की बात हो गई, हम बात किसकी करने वाले हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। अब बात करेंगे जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है। अब हम कोई छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप भी यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो आगे फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कंपाउंड। तो सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं कि हम अपनी आईज के आगे माइक्रोस्कोप रखें तब कैसे हम एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देख पाते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज टू ऑब्जर्व अ लार्ज या मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। कोई भी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट की हम एक बड़ी इमेज देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ माइक्रोस्कोप आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंपल, अनदर इज कंपाउंड। वैसे तो और भी होते हैं बट हम अभी यहीं पर डिस्कस दो के ही करेंगे। तो अभी हम पहले बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही लेंस यूज होता है और वो लेंस होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस, या फिर हम उसको सेकेंड नाम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। सो वी कैन राइट अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो काम कैसे होता है इसका, किस तरीके से ये काम करता है, तो इसको हम रे डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये आपका एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी तो इसका फोकस कहीं यहाँ आएगा,
ठीक है, यहाँ पर फोकस आएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे फोकस पे नहीं रखा इसको, इसको मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रखा है, लेट इट बी ए एंड बी, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब यहाँ से हम यहाँ से रेज पास कराएंगे, ठीक है, इसकी कोई ना कोई इंसिडेंट रेज होंगी। तो इंसिडेंट रेज में देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से ऐसे पास कराती हूँ कि इसको पहले अगर मैंने पास कराया ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये तो अनडेविएटेड निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी, अगर मैं इसको यहाँ से कराती हूँ इस तरफ से फोकस से, यानी कि ऐसे, मतलब कि बैक करो तो फोकस ही बन रहा है, ठीक है। तो फोकस टू पैरेलल होता है, फोकस टू पैरेलल होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमने यहाँ रूल वही यूज करे हैं जो हम पहले यूज करते थे, जैसे कि फोकस टू पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारी क्या है आई, ठीक है, ये आई का लेंस हो गया हमारा, ठीक है, दिस इज अवर आई, ओके। तो अब यहाँ से क्या होगा, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो अनडेविएटेड जा रही है, देखो ये कहीं भी मीट नहीं कर रही है आगे जाके, ठीक है, ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है ऐसे करके, तो कहीं मीट नहीं करेंगी। तो इसको हमें मीट कराने के लिए इसको बैकवर्ड खींचना पड़ेगा, ठीक है, बैकवर्ड खींचेंगे हम इसको। तो जब हम इसको बैकवर्ड खींचेंगे तो जहां ये मीट करेंगी, ये हमें लगेगा इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, क्या बन रही है, इमेज। तो ये था ए बी और ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, तो ये था आपका ऑब्जेक्ट और ये बन जाएगी इसकी इमेज। तो दिस इज हाउ अ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क्स, ठीक है। तो क्या किया है हमने, एक सिंपल कॉन्वेक्स या फिर हमने कन्वर्जिंग लेंस रखा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के पास में रखते हैं, ताकि अगर मैं उसको फोकस से पास में रखूंगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैं ऑब्जेक्ट रखूंगी, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरीके से बड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ से ऐसे रेज जा रही हैं, ठीक है, फोकस टू पैरेलल अनडेविएटेड, यहाँ से यहाँ पर तो मीट नहीं कर रही है, तो उसको हमने बैकवर्ड मीट करा, तो उसकी इमेज हमें इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो ये चीज होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दूं, ठीक है, चेंज करके क्या होगा, सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं कि मान लो अब मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पे रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट उठा के मैंने यहाँ रख दिया फोकस पे, तो फोकस पे क्या होगा, एक तो रेज कहाँ जाएगी, ठीक है, पैरेलल यहाँ से क्या जाती हैं, पैरेलल जाती हैं, देन आगे जाके क्या होती हैं, कन्वर्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, ये निकल रही है ऑप्टिकल सेंटर से, अब यहाँ पे क्या है हमारी आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्या बन रही है, पैरेलल जा रही है, ठीक है, पैरेलल जा रही है। तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींचती हूँ तो ये भी कहाँ जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, ठीक है। तो इमेज हमें कहाँ दिखाई देगी, इन्फिनिटी पर दिखाई देगी, बहुत दूर दिखाई देगी। और ये जो चीज़ है, इसकी इमेज बहुत एक्चुअल में बन जाएगी, जैसे यहाँ पर भी कन्वर्जिंग है लेंस हमारी आईज में, तो ये पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल आके यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्ज होके यहाँ पर इमेज बना देगी रेटिना पे, बहुत ही रिलैक्स्ड इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। नाउ इट्स टाइम टू चेक कि भाई कौन सी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, ठीक है, ये ज्यादा मैग्नीफाइड है, ये ज्यादा मैग्नीफाइड है, तो ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन, सो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेंस के लिए हम नेगेटिव नहीं लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और ये कब होता है, एट सेम लोकेशन, जब वो सेम लोकेशन पे पड़े होते हैं तब हम वहां पर उनको साइज से मेजर करते हैं, ये होती है उसकी मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं v और इसको लिखते हैं u, सो वी नो दैट आई एम इक्वल्स टू v बाई u, ये होता है, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला भी पता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला इज 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू, ठीक है।
हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, मैग्निफिकेशन, तो हमें चाहिए वी बाई यू. तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रही हूँ यू से, सॉरी वी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय वी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी बाय एफ, वी बाय वी यानी कि वन माइनस वी बाय यू, ये हो जाएगा. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं. सो दिस विल बी वी बाई यू एंड वन माइनस वी बाई एफ. नाउ वी बाई यू की जगह पे हम एम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन. सो एम इक्वल्स टू वन माइनस वी बाई एफ. ठीक है, ये आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन. नाउ दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन. ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों ही केसेस में क्या बनती है मैग्निफिकेशन. तो केस वन की अगर हम बात करते हैं, तो केस वन में देखो ये चीज है. ठीक है, देखो ये था ऑब्जेक्ट, था ये थी इमेज. ठीक है, और ये इंसिडेंट रेट से लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस हम इसको क्या लेंगे, माइनस का वी लेंगे. ठीक है, हम अपनी आईज से वैसे मेजर कर रहे हैं इसको. ठीक है, हमारी आईज को ये दिखाई दे रहा है ना, तो एक तो माइनस का वी आएगा. ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि क्लियर इमेज हमें कब दिखाई देती है, बिल्कुल एट 25 सेंटीमीटर पे. ठीक है, उससे दूर क्या होती है, इमेज जो होती है थोड़ी इतनी क्लियर दिखाई नहीं देती है. और उससे अगर हम पास जाते रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता रहता है कि इमेज जो होती है वो हमें ब्लर दिखाई देती है, टेंशन आ जाती है, आईज में टेंशन आ जाती है. तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इमेज को कंसिडर करते हैं एट 25 सेंटीमीटर, विच इज नॉन एज द डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि नियर पॉइंट. ठीक है, विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज डी, विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज डी. ठीक है, तो ये डी बी होता है, डी हो गया. ठीक है, तो अब यही चीज यहाँ पे हम पुट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस, इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे आ जाएगा. सो पुट v की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का d पुट कर देंगे. एक तो माइनस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, d मतलब कि डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस d बाय f. तो ये बनेगी मैग्निफिकेशन फॉर द फर्स्ट केस. क्लियर है ये बात. ठीक है, अब ये क्या है, d is 25 सेंटीमीटर है ना, मैंने अभी अभी आपको बताया. ठीक है, तो d is 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मुझे मैग्निफिकेशन क्या चाहिए, मुझे मैग्निफिकेशन साइज उसका डबल करना है. ठीक है, साइज डबल करना है, तो फोकल लेंथ मुझे कितनी चाहिए होगी, 25. सो 25 डिवाइड बाय 25, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन मुझे 3 टाइम्स चाहिए, सो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि 12.5, ताकि उसको कैंसिल करके कितना आए, 2, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा. अगर मैग्निफिकेशन मुझे 4 टाइम्स चाहिए, ठीक है, तो उसको कैंसिल करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए. अगर मैग्निफिकेशन मुझे 6 चाहिए, ठीक है, तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी फोकल लेंथ होनी चाहिए 5, ताकि ये क्या हो जाए, 25 डिवाइड बाय 5 कैंसिल होकर 5 प्लस 1 6 हो जाए. ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे मैग्निफिकेशन बड़ी मेरे को जितनी ज्यादा मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, उतनी ही फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमने यहाँ लिखा था कि स्मॉल फोकल लेंथ, तो जितनी स्मॉल फोकल लेंथ होगी उतनी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी. सो एज फोकल लेंथ इज स्मॉल, मैग्निफिकेशन इज लार्ज. ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं. For example, if f is 5 centimeter, then magnification कितनी होगी, 1/25/5, 5 + 1, 6 times होगी magnification. ठीक है, तो that's why यहाँ पर mention किया गया है कि microscope में converging lens होना चाहिए, but कौन सा होना चाहिए, for of small focal length होना चाहिए. Clear है. Also magnification का यहाँ पर सिर्फ एक ही formula नहीं होता, magnification का एक और formula भी है. क्या फॉर्मूला है, जैसे हमने अभी अभी देखा था कि जितना बड़ा एंगल बन रहा था हमारी आईज में, उतना ही बड़ा साइज बन रहा था, है ना. बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जितना बड़ा, जितने बड़ा एंगल बन रहा था उतना ही साइज बड़ा बन रहा था.
ऑब्जेक्ट का भी, ठीक है, इमेज का भी। तो हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन को एक और फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइड में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। कि आईज में आपका इमेज कितना एंगल बना रही है, डिवाइड में ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, वो भी उसकी क्या बताती है, मैग्निफिकेशन बताती है। ठीक है, ये आया कैसे है, बिकॉज हमें एक और फॉर्मूला पता होता है कि एक तो ये साइज होता है और ये डिस्टेंस भी होता है, तो साइज का मतलब एच डैश अपॉन में एच भी होता है। ठीक है, एच डैश अपॉन में एच भी होता है, दिस इज द डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एच डैश अपॉन में एच यानी कि उसका कितना साइज है और उसका कितना साइज है, और साइज डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। सो दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन को हम एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट भी हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इन्फिनिटी पर जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको, इस फॉर्मूले का तो हमने यूज करके हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और उसकी हेल्प से मैग्निफिकेशन निकालेंगे केस टू की। ठीक है, सो फॉर केस टू, जब ऑब्जेक्ट जो है आपका किस पे पड़ा है, फोकस पे पड़ा है, तो यहाँ पे अगर मेंशन कर लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने जो इमेज बनाई है वो बहुत दूर जाके बनाई है। ठीक है, कहीं भी जहां पर भी मिल रहे हैं वहां पे उसने इमेज बनाई है, बट अगर मैं उसको कहीं भी बनाए तो उसका अगर मैं एंगल देखूं, यहाँ पर एंगल उसका यही है ना, जितनी मर्जी दूर जाके बना ले, लेकिन उसका एंगल तो यही रहेगा ना। तो लेट दिस एंगल बी बीटा, ठीक है, सो बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां कहीं भी जाकर इमेज बनाएगी, फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने यहां पर कहीं इमेज बनाई है, वैसे तो कहीं भी हो सकती है, आगे जाके कहीं भी हो सकती है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ उसको इमेजिन करा है कि इमेज यहां पर बन गई है। ठीक है, अगर इमेज यहाँ पर बन गई है तो अब देखना पड़ेगा कि ये, चलो ये तो इसने तो एंगल बना दिया, इतना बीटा बना दिया, बट अब हमें क्या चाहिए, हमें एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, एट सेम लोकेशन, है ना, एट सेम लोकेशन बोलते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस लोकेशन पर पड़ा हुआ है, इस लोकेशन पे पड़ा है। अब ये जो एंगल बनाएगा वो इसके साथ बनाएगा और ये और भी छोटा होगा, एंड लेट इट बी अल्फा, बीटा तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन किस पे होता है, एट सेम लोकेशन पे होता है। तो इसका तो हमें बीटा पता ही था, हमने कंसीडर की इमेज यहाँ पर है, तो हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर सेम लोकेशन पर लेके गए, अब उसका एंगल मेजर किया, इट वॉज अल्फा, सो अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं m इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज है ना, ये तो इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपका m इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। ठीक है, तो अब ये हो गया m इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। नाउ वी नो दैट बीटा और अल्फा दोनों ही क्या है, स्मॉल एंगल्स है, तो फॉर स्मॉल एंगल्स हम क्या कंसिडर करते हैं, टैन। सो ये हो जाएगा एम इक्वल्स टू टैन बीटा अपॉन में टैन अल्फा। ठीक है, अब टैन बीटा जो है वो ध्यान से अगर हम देखें, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है, तो बीटा जो है वो इसमें है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट था तो ये ए बी ही मानते हैं हम। ठीक है, तो बीटा इसके अंदर है, सो दिस इज ए बी अपॉन में बी ओ, तो यहाँ मेंशन कर देंगे ए बी अपॉन में बी ओ, डिवाइड में टैन अल्फा। टैन अल्फा की हम बात करें तो अल्फा इस पे पड़ रहा है, ठीक है, तो अल्फा के लिए ये हो जाएगा ए बी अपॉन में, दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्यू, तो क्यू ओ हो जाएगा, तो ए बी अपॉन में क्यू ओ।
अब ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, यू पर चला जाएगा क्यू ओ अपॉन में बी ओ, ठीक है। अब क्यू ओ, क्यू ओ है क्या, यानी कि जहां आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। और हमने फॉर क्लैरिटी हमने इमेज को क्या कंसीडर किया था, 25 सेंटीमीटर, और वो क्या बोला था, डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला था, 25 सेंटीमीटर कंसीडर किया था। ऑल्सो यूजिंग द साइन कन्वेंशंस, ये किसमें होगा, नेगेटिव साइड पे होगा, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रेज यहाँ जा रही है तो उसके ऑपोजिट में लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्यू ओ दैट इज माइनस डी अपॉन में बी ओ। बी ओ की बात करें तो बी ओ ये है बी, ये कहाँ पे था, फोकस पे रखा था ना हमने, तो बी ओ ये क्या हो गया, फोकल लेंथ होगी, और फोकल लेंथ भी किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी, लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करेंगे तो माइनस फोकल लेंथ, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, तो मैग्नीफिकेशन आपके पास आ जाएगी डी बाय फोकल लेंथ, ये हो गई मैग्नीफिकेशन। तो ये आ गई आपकी सेकेंड केस की मैग्नीफिकेशन। फर्स्ट केस की जो मैग्नीफिकेशन थी वो थी आपकी ये। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो वी नो दैट ये वाली जो फर्स्ट केस की मैग्नीफिकेशन है इसकी मैग्नीफिकेशन से 1 ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इस केस में हम विदाउट टेंशन बहुत ही कंफर्टेबली, ठीक है, कंफर्टेबली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, राइट। बट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारी आईज में थोड़ी सी टेंशन आएगी, क्योंकि और बिल्कुल पास में हो रहा है ना, जितना पास में ऑब्जेक्ट आएगा उतने हमें क्या करना पड़ता है, उसको आईज को ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन फर्स्ट केस में ज्यादा आएगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस, बट सेकेंड केस में आप कंफर्टेबली देख पाते हो और फर्स्ट केस में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस पड़ता है आईज के ऊपर, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हमने क्या किया है, एक माइक्रोस्कोप को रखा और उसको हमने आईज को अपनी एडजस्ट करा है, ऑब्जेक्ट के आसपास लेकर जा रहे हैं लेंस को, और दो केसेस हमने उसके डिस्कस किए हैं कि किन केसेस पे जाके हमारी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो लार्ज आती है। वही तो काम है माइक्रोस्कोप का कि एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, और वो कौन कर सकता है, स्मॉल फोकल लेंथ वाला, और उसका रीजन हमने देख ही लिया है क्योंकि ये किसमें आता है, डिवाइड में आता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। लेट अस डिस्कस अबाउट नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसे हमने अभी एक सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, तो वहां एक लिमिटेशन आती है। क्या लिमिटेशन आती है, कि हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो एक पर्टिकुलर साइज तक मैग्नीफाइड हो सकती है, बियॉन्ड दैट लिमिट वो मैग्नीफाइड नहीं हो सकती है, एंड दैट लिमिट इज लेस देन इक्वल टू 9। तो मैक्सिमम अ सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो है वो 9 तक ला सकता है फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंथ। मतलब कि रियलिस्टिक फोकल लेंथ का मतलब क्या है, कि वैसे तो आप थ्योरी के अंदर कम से कम छोटे से छोटा फोकल लेंथ ले आओ, फोकल लेंथ लेंथ वाला लेंस ले आओ और हम उसको मैग्नीफिकेशन बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली कितना ही छोटा आप लेंस यूज कर लोगे, कितनी छोटी फोकल लेंथ का यूज कर लोगे। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात की जाए तो प्रैक्टिकली जितना हम छोटा फोकल लेंथ का लेंस यूज कर सकते हैं उससे मैक्सिमम तो मैक्सिमम हम 9 टाइम्स एक इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी लिमिट लग गई। बट अब क्या है, अब हमारे पास इस लिमिट को ओवरकम करने के लिए एक और ऑप्शन है, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसे, अब जैसे सिंपल के अंदर सिर्फ एक लेंस था, अब कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, दो लेंसेस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। वो क्या है, लेट अस स्टार्ट। तो वैसे तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ होता क्या है। एक तरीके से ये एक ट्यूब होती है, ठीक है, एक ट्यूब होती है, यहाँ पे एक छोटा लेंस लगा होता है और यहाँ एक बड़ा लेंस लगा होता है, ठीक है। वो इस तरीके से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। तो ये एक ट्यूब है जो इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन कर रही होती है, तो ये दिखने में ऐसा है। अब इसके अंदर का जो डायग्राम होता है वो कैसे होता है, तो मैं ये ट्यूब नहीं बनाऊंगी ताकि हमारा जो डायग्राम है वो सिंपल रहे।
तो मैं यहाँ पर सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस ही बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल ये हैं आपके प्रिंसिपल एक्सिस। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं छोटा लेंस, ठीक है। अब यहाँ हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट बी ए बी, ठीक है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ होती है ये एक लेंस है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है ये बात। अभी लेंस है तो इसकी दो फोकल लेंस होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मान लेते हैं हम एफ ओ और यहाँ भी मान लेते हैं हम एफ ओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर दो इसकी फोकल लेंथ हो जाती है। अब यहाँ से जो इमेज निकलेगी वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले पैरलर टू फोकस और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो पैरलर टू फोकस, ठीक है, यहां से निकाल देते हैं इस तरीके से। फिर दूसरा क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर से तो डायरेक्ट निकल जाती है। अब वी नो दैट जब ये दोनों की दोनों जहां पर मीट करेंगी वहां पे क्या बनाएंगी, एक इमेज बनाएंगी। सो ये इमेज बन गई यहाँ पर आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, सो इट इज ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, ए डैश एंड बी डैश। अब यहां पर हमने एक और लेंस रखा होता है, ठीक है। सो ये लेंस इससे थोड़ा बड़ा होता है, ये होता है छोटा लेंस, फोकल लेंथ छोटी, बिकॉज फॉर द ऑब्वियस रीजन, जैसे कि हमने स्मॉल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा कि वहां पे हम स्मॉल फोकल लेंथ का यूज करते हैं ताकि बड़ी सी बड़ी इमेज बने। तो यहाँ हम दूसरा लेंस रखते हैं, दूसरा, पर इससे थोड़ा सा क्या होता है, वो बड़ा लेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने रखा वो लेंस, ओके। नाउ यहां से हम देखते हैं अपनी आईज की तरफ, ठीक है, यहां से हम आईज से देख रहे होते हैं। तो ये आईज के, आईज से जिस लेंस को हम देख रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस लेंस को हम क्या बोलते हैं, आईपीस, आईपीस, ठीक है, याद रह जाएगा, जो आई के पास है दैट इज आईपीस और जो ऑब्जेक्ट के पास है दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। अब यहां जो बन रही है इमेज, यहां से क्या होगा, अगेन सबसे पहले इसके भी क्या होंगे, दो फोकस होंगे, ठीक है, एक फोकस यहां कहीं होगा, दूर होगा क्योंकि ये बड़ा है, और एफ ई यूज कर रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, यहां पे भी कहीं होगा, तो यहां हम यूज करेंगे इधर करके फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अब यहां से जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी, पैरलर टू फोकस, ठीक है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर निकल जाएगी, ठीक है। ड्रॉ करते हैं हम यहां से पैरलर टू फोकस, ठीक है, और दूसरी कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। अब यहां पे तो हमारी आई थी, हम यहां से हम देख रहे थे, ठीक है, वी वर लुकिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, ये हमारी आई थी, ओके। तो यहां से हम आई से तो देख रहे थे, बट द थिंग इज अब क्या हुआ, यहां से हम देख नहीं पाए, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर चली गई, ठीक है, तो हम पीछे जाके कहां इमेज बनेगी। जब हम इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और मिलाएंगे तो क्या होगा, अब जब हम इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरीके से वर्टिकली जब मिलाएंगे तो देखो इमेज कहां बनेगी, ठीक है, ये यहां से जा रही है, ठीक है, इसको आगे मीट कराते हैं, ये
ये आगे और मीट करेगी। तो इस तरीके से जब ये मीट करेगी यहां पर जाके, तो ये एक बड़ी सी इमेज दे देगी। ये देखो यहाँ पे, सी हियर, ये जो हमें इमेज दी है इसने, ये देखो कितनी बड़ी इमेज दी है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो इसने इमेज बनाई, ये इमेज कैसे एक्ट करगी, एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करगी फॉर द सेकेंड लेंस, राइट। तो जैसे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करी, तो यहां से क्या निकालते हैं हम, वैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो रेज की ही बात करते हैं, ऐसे तो बहुत ज्यादा डायग्राम हमारा खराब हो जाएगा, तो हम मैक्सिमम दो ही रेज लेते हैं, ठीक है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस वन एक्टेड एज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस टू। उसने जब इमेज बनाई, यहाँ तो कहाँ ही बननी थी, तो उसको जब हम खींच के आगे लेकर गए, तो हमने देखा ये बहुत बड़ी इमेज बनी। किसकी इमेज बनी, ए डैश बी डैश की। कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। तो अब इसको हम बोल देंगे ए डबल डैश और ये हो जाएगा बी डबल डैश, ठीक है। इस तरीके से इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो अब देखना ये कैसे कैसे मैग्नीफाइड हुई, दो बार मैग्नीफाई हुए, इसने इसको मैग्नीफाई किया, फिर इसने इसको फिर से मैग्नीफाई कर दिया। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें क्या होती है, दो लेंसेस की वजह से जो छोटी सी इमेज होती है, छोटी सी ऑब्जेक्ट होती है, वो बहुत ज्यादा टाइम्स क्या हो जाता है, मैग्नीफाइड हो जाता है। कितने टाइम्स होता है उसका पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं अब हम। सो सिंपल मैग्नीफिकेशन क्या हुई, अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड डिवाइड में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइज ऑफ इमेज, इमेज कौन सी है, साइज का इमेज ये है ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, सिंपल ए बी था, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। मतलब कि हमने ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सच दैट पूरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पूरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें बहुत अच्छा एक फॉर्मूला मिल जाएगा। इसको अगर ध्यान से नोटिस करें, और इस चीज को अगर हम ध्यान से नोटिस करें, तो क्या है ये है लेंस टू के लिए इमेज ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, और ए डैश बी डैश क्या है इसके लिए ऑब्जेक्ट का साइज, है ना। ये हो गया साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ये हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर लेंस टू, और लेंस टू कौन सा है, आई पीस। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। इसकी अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस फर्स्ट, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट राइट फॉर द लेंस वन, और फर्स्ट लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ये होगी मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहां से आपको इसकी फाइनल मैग्नीफिकेशन क्या मिल रही है, मैग्नीफिकेशन जो आईपीस ने करी मल्टीप्लाई मैग्नीफिकेशन जो ऑब्जेक्टिव ने करी, तो सोचो मैग्नीफिकेशन कितनी हाई जाएगी, है ना। तो अब यहां से हम कुछ मेजर्स कर लेते हैं, जैसे कि यहां से यहां तक क्या हुआ, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और ये तो हो गया आपका एफ ओ हो गया, ठीक है। इसने यहां से लेकर यहां तक क्या बनी है, इमेज बनी है, तो ये हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक हो गया वी ओ, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। फिर यहां से यहां तक की बात करें, तो दिस इज यू ई, है ना, अब ये क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस फॉर द आईपीस, ठीक है। और हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या देखा था, कि जब फाइनल इमेज हमारी जो बनती है, वो हम क्या मानते हैं कि हम इजिली उसको देख पाए, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं,
है ना, कोई भी माइक्रोस्कोप उसको इसी तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमारी आईज उसको रिलैक्स्ड वे में देख सके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डी, डिस्टिंक्ट विजन, है ना, जिसको हम आराम से रिलैक्स्ड वे में देख सके, कंफर्टेबली देख सके. सो हम वीई को हम मेंशन कर सकते हैं डिस्टिंक्ट विजन. तो जैसे जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, ऐसे ही अगर मैं मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस के लिए लिखूं तो क्या फॉर्मूला बनता है आपका, 1+d/d में फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसकी, आईपीस की, दिस इज एफई, राइट, यहां से लेकर यहां तक एफई हो गया. सो ये हो गया 1+d/fe, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला. और एमओ की बात करते हैं हम, तो मैग्निफिकेशन इसकी बात करें तो इसके लिए तो सिंपल है आपके पास, दैट इज v0/u0, ठीक है, इनके ये तो हमने फॉर्मूला वैसे भी पढ़ रखा है, ठीक है, v0/u0. अगर यही दो फॉर्मूलाज यहाँ हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, m इक्वल्स टू v0/u0 × 1+d/fe. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा. तो ये इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या है, साइज जो है, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टिंक्ट डिविजन जहाँ पे फाइनली बन रही है, ये फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. अब अगर मैं बात करती हूँ कि ये डिस्टिंक्ट विजन ना होके अगर मैं क्या करती हूँ, इसको बहुत इन्फिनिटी पे बना देती हूँ इमेज, ठीक है, इमेज बहुत इन्फिनिटी पर जाती है, यानी कि फॉर पैरेलल रेज, ये तो हो गया फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है. और अगर मैं बात करती हूँ फॉर पैरेलल रेज, यानी कि जब हम अनकंफर्टेबल होकर फिर भी हम देख पा रहे थे, तब उसके लिए क्या बन रही थी इमेज हमारी, वहां पे हम फॉर्मूला लगा लेते थे, डी बाय एफ आ जाता था, वन हट जाता था. सो ये हो जाती थी आपके पास v0/u0, दिस विल बी डी बाय एफ ई फॉर पैरेलल रेज. यानी कि अगर इमेज कहाँ बन रही हो, बहुत इन्फिनिटी पे बन रही हो, डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं, थोड़ा इन्फिनिटी पे बन रही हो, तो हम यहाँ पर ये यूज करते हैं. क्लियर है ये बात, ठीक है. तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी या फिर फॉर पैरेलल रेज हो गया. अब अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस ले आऊँ, जैसे कि कुछ और अगर हम कंसीडर करते हैं, लेंथ कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा. तो हम कुछ यहाँ पर अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं, अप्रोक्सीमेशंस जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो रफली इक्वल किसके है, यू नॉट के. तो यहां से एक अप्रोक्सीमेशन हम ले लेते हैं कि यू नॉट इज रफली इक्वल टू एफ नॉट. क्लियर है ये बात, ठीक है. दूसरी बात, दूसरी अप्रोक्सीमेशन हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, कि लेंथ जो है, लेंथ जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहां से कहां तक होगी, फर्स्ट लेंथ से लेकर सेकेंड लेंथ तक, यही लेंथ होगी ना उसकी, दिस इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो अगर इसको मुझे मेजर करवाना है तो मैं किसकी इक्वल लूंगी, तो देखो इसको ध्यान से, जो आपकी इमेज बन रही है बाय लेंस फर्स्ट, जो आपकी इमेज बन रही है वो बिल्कुल सेकेंड लेंस के क्या है, पास में है, ठीक है, बहुत पास में है, तो इसीलिए हम इसको रफली इक्वल लेते हैं. तो एल इज रफली इक्वल टू वी नॉट. तो ये दो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं, रफ अप्रोक्सीमेशंस होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो नहीं है, है ना, रफ अप्रोक्सीमेशंस है. और ये भी हम तब कंसीडर करते हैं जब न्यूमेरिकल्स में हमें बोला जाए कि ये निकालना है या फिर ये निकालना है, तो हम ये यूज कर लेते हैं रफ अप्रोक्सीमेशंस. सो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कंसीडरिंग रफ अप्रोक्सीमेशंस सच एज कि यू नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट एंड एल इक्वल्स टू वी नॉट, तब हमारे पास ये दो फॉर्मूलास क्या बनेंगे, यहां पर हो जाएगा आपका एल अपॉन एफ नॉट 1+d/fe, दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट विजन, एंड फॉर पैरेलल रेज, यानी कि जब
इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है तब हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन में एफ ई, तो ये कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो ये कम यूज में आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बेसिकली ये दो जो हैं वो आपके ज्यादा यूज में आएंगे। क्लियर है ये बात? अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स की बात करते हैं तो मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स में क्या होते हैं, मल्टी कॉम्पोनेंट लेंसेज यूज किए जाते हैं। मल्टी कॉम्पोनेंट लेंसेज का मतलब होता है कि जैसे कि लेंस अगर हमको यूज कर रहे हो उसमें कुछ डिफेक्ट वगैरह है, अब के मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स में ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर चांस होता है कि कोई डिफेक्ट हो, तो जिसकी वजह से जो आपको एग्जैक्ट इमेज बनती है, क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कितनी मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेकर कंसीडर करते हैं कि जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की तो बात कर ली, हमारी इतनी तक होती है, इसमें भी देख लेते हैं कितना हो सकता है। अगर हम रियलिस्टिक वे में, प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें, तो लेट अस कंसीडर कि जो फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव की, लेट इट बी 1 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो रहेगी वो उससे बड़ा होना चाहिए, तो लेट इट बी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ट्यूब की लेंथ है कितनी दूर पड़ी हुई है, तो लेट इट बी वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना ही हो पाएगा ना, आप खुद सोचो ये सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो ट्यूब की लेंथ 20, इतना ही बड़ा माइक्रोस्कोप हो सकता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर वो 1 सेंटीमीटर, इतना सा लेंस यहाँ लगा है, 2 सेंटीमीटर इतना सा लेंस यहाँ लगा हुआ है। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो उसको हम प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर करा यहाँ पर। अब हमने निकाली है इसकी मैग्निफिकेशन, चलो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। एम इक्वल्स टू एल 20, एफ नॉट 1। अच्छा, डिस्टिंक्ट विजन हमें पता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, इतनी दूर पे ही हम अच्छे से देख पाते हैं। सो दिस इज 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज एफ इज 2, उसको इसे कैंसिल किया 10। ये देखिए 250 times मैग्निफाइड इमेज मिलेगी आपको इतने छोटे से 20 सेंटीमीटर के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, आपको 250 times आपको मैग्निफाइड इमेज मिल रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे वहां पर और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करोगे, तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप और ये देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से ये सेटअप था कंपाउंड का, ये थी उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस। तो ये था ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेलीस्कोप। थैंक यू।